छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के दावे की पोल नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्क फ्रेम की रिपोर्ट में खोल दी गई है। टॉप 100 में छत्तीसगढ़ के एक भी विद्यालय नहीं है। प्रदेश का गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय टॉप 200 से बाहर है, तो वहीं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय को टॉप 200 में जगह दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश में कृषि के बाद दूसरा बजट शिक्षा का है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के एक भी विश्वविद्यालय ने टॉप 100 में जगह नहीं मिली है। सर, हम आपसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि ये रिसर्च करते हैं और इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित होता है पहले से? इसके लिए पहले से कुछ पैरामीटर्स बना दिए गए हैं, उसके अनुकूल अपनी जानकारी भरनी होती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसके अलावा भी उसको वेरीफाई करने का और उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने के लिए कई तरीके हैं। क्या क्या है वो मापदंड, क्या क्या है? ओवरऑल जो रैंकिंग विश्वविद्यालय की जो हुई है उसमें हमारा जो स्थान मिला है 101 से लेकर 150 के बीच में रखा गया है, और पहले हमारी स्थिति 151 से 200 के बीच थी। तो इस रैंकिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि 50 रैंक हम ऊपर आ गए हैं पहले से, और इसके जो पैरामीटर है उसके बारे में बहुत संक्षेप में कह दूं, 5 पैरामीटर्स टीचर और वहाँ के रिसोर्स पर आधारित है। अंतिम सवाल, ये जो पैरामीटर बनाए गए हैं, जो मानक बताए गए हैं, अगर इसको हम पूर्ति करते हैं तो गुणवत्ता की बात होती है, जो शिक्षा में गुणवत्ता कितने % सुधार हो सकता है? अभी हमारे प्रदेश में सब जानते हैं कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की हालत खराब है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर इन पैरामीटर्स को धीरे धीरे हम पूरा कर लेंगे तो हमारी स्थिति बहुत और ऊंची हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन टोटल जो देखेंगे आप 200 संस्थाओं के इनाम है उसको देख लीजिए, हमसे ये नहीं है, यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की बात करें। अगर ये जो मापदंड है अगर इसको हम पूर्ति करते हैं तो शिक्षा में क्या गुणवत्ता आएगी, जिसकी बात होती है कि शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, जब आप बजट ही नहीं देंगे तो कहाँ से होगी, ये इसमें होगी या नहीं? शिक्षा में गुणवत्ता जरूर आएगी, इसलिए कि अगर विश्वविद्यालय उस दिशा में काम कर रहा है, उनके जो शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, और अगर निष्ठा के साथ उसमें लगे रहें तो स्वाभाविक है कि गुणवत्ता जरूर आएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज को स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।